हेलो गाइस, तो देखिए ये आई थी मेरी फ्रेंड बुलंद सर से मुझसे मिलने। ये 2 दिन रहने आई थी, तो 2 दिन पता नहीं कैसे निकल गए हमारे, पता ही नहीं चला। और देखो ये हमारे लिए गिफ्ट लेके आई थी एनिवर्सरी की। तो मेरे लिए कप लेके आई थी और मग, और इनके लिए पेन लेके आई थी। तो बहुत ही प्यारा पेन था, बहुत प्यारा इसका गिफ्ट था। फिर हमने बैठ के लंच किया, तो देखो ये हमारा सब कुछ है इसमें खाने में। और ये हम चल दिए फिर शॉपिंग के लिए। हम गए थे ये शॉपिंग के लिए बातें करते करते, और हम पहुंच गए कतरन मार्केट। तो कतरन मार्केट में जाके बहुत सारा फैब्रिक मिलता है यहाँ पे, और हमने यूट्यूब पे देखा था कि कतरन मार्केट कहाँ पे है। हम पहुंच गए देखते देखते, और ये देखिए यहाँ पे मतलब बहुत प्यारा प्यारा कपड़ा था जो हमने अपनी ड्रेसें बनवाने के लिए लिया, बहुत अच्छा था। तो हमने दोनों ने खूब शॉपिंग करी यहाँ पे, खूब सारी बातें करी, खूब सारे हमारे सब्सक्राइबर मिले, खूब उनसे के साथ सेल्फियाँ हुई। और देखे ये मिली बड़ी प्यारी सी, इन्होंने अपनी सेल्फी ली अपनी बेटी को दिखाने के लिए, खूब सारा कपड़ा लिया। और फिर हम निकल गए घर के लिए। और अब हम रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, मेरी फ्रेंड इतनी बातें करती है बहुत ज़्यादा, हम दोनों ही बहुत सारी बातें कर रहे थे तो पता ही नहीं चला। और हम कुछ खाने का भी लेके गए थे और वो भी खाया। और देखो ये फिर मैंने घर पे आके फैब्रिक दिखाया कि ये हम कपड़ा लेके आए थे, वहाँ तो टाइम मिला नहीं था, यहाँ आके दिखाया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाए सैंडविच, और ये सैंडविच बहुत ही वेजिटेबल बहुत सारे अच्छे थे, देखना आप भी। और आप भी ट्राई कर सकते हैं इन्हें एक बारी घर पे, और आप भी वैसे बनाते तो होंगे लेकिन मेरी तरीके से भी एक बार ट्राई करना। ये मैंने सबको छोटा छोटा काट के एक तरफ केचप लगाया, एक तरफ चटनी लगाई, ग्रीन चटनी घर पे ही बना के, और ऐसे बना के मैंने बना दिए सैंडविच। और ये बहुत ही सही यम्मी लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। और कह रही थी कि घर पे जाके मैं भी ट्राई करूंगी, अभी तो पता नहीं, मैंने कॉल भी नहीं करी करिए ट्राई कर नहीं। तो देखो ये सैंडविच ने खाए, नेहा ने खाया और रिकी को भी खिलाए साथ में। तो ये सैंडविच मैंने इसके लिए बनाए। और फिर मैंने इसके लिए काफी सारी चीजें बनाई थी, मैं ऐसी दिखाती रहूंगी। फिर हम निकल गए पार्क में कुछ शूटिंग करने, अपनी थोड़ी सी शूटिंग थी हमारी, तो हमने पार्क में शूटिंग करी। फिर हम चले गए, ये था जगत फार्म। जगत फार्म पर जाकर छोटी सी शॉपिंग जगत फार्म की थी, छोटी मोटी, बहुत ज्यादा नहीं था, बस मैं इसे दिखाने के लिए ले गई थी, चलते तो जगत फार्म दिखा के लाऊं जो अपने यहाँ का लोकल मार्केट है। तो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिले, यहाँ पे फोटो खींचे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। फिर मैं इसे ले गई सीपी मॉल, यहाँ का जो सीपी मॉल है उसमें लेके गई, वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सिर्फ मैं इसे घुमा रही थी कि ये चीज है यहाँ पे, ये चीज है, तो हम मैं इसे यहाँ लिपस्टिक टेस्ट चेक करी। फिर इसने एक दो लिपस्टिक ली, एक दो सामान छोटे छोटे लिए नेहा ने, जो मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे फिर मैं लेके पहुंच गई इसे अंसल प्लाजा। अंसल प्लाजा में हम पहुंचे मीना बाजार, कि इसमें सिर्फ मीना बाजार ही है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो मीना बाजार में डिस्काउंट भी लगा था, तो हमने यहाँ पे आके साड़ी देखी। और ये वाली जो मैंने साड़ी लगाई है, ये साड़ी मैंने ले ली थी, तो ये बहुत अच्छी थी। फिर हम थोड़ा अपना बचपन वाले गेम खेले, कंचे खेल के मतलब देखा था कि कौन इसमें जीतेगा। फिर हम यहाँ पे खो खो भी खेले थे, अभी देखिए अब हम खो खो खेल रहे। और खो खो में मतलब मेरा नंबर, मतलब ये मेरे को पकड़ने वाले थे पर मैं किसी के हाथ नहीं आई। हम मतलब बहुत प्रैक्टिस है मुझे खो खो खेलने की, क्योंकि बचपन में यही गेम खेलते थे सब लोग। तो ये देखिए हम खो खो खेल रहे हैं यहाँ पे, अपना बचपन याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये टाइम कब निकल गया हमें पता भी नहीं चला, 2 दिन भी ऐसे कम पड़ गए कि आज ही आई है, आज भी चली गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा जब आपकी फ्रेंड आती होगी। तो देखो ये घर के लिए निकल रही, अभी से ड्राइवर छोड़ने जा रहा है, तो बाय बाय। और ये मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।